नमस्कार, मैं हूं आशु और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। गांव में आज तक नहीं पहुंची बिजली बिल आया 1 लाख। एक तरफ जहां योगी सरकार लाख कोशिश कर रही है कि गरीबों की हर संभव मदद की जाए, वहीं हर घर बिजली, हर घर शौचालय व हर घर गरीब को आवास देने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक ऐसा गाँव है जहां आज तक नहीं पहुंची बिजली, वहीं 48 लोगों के बिल पहुंचा है 1 लाख रुपए। आपको बताते चले, ताज़ा मामला यूपी की सीतापुर तहसील बिस्वा के कल्याणपुर गांव का है, जहां पर कई साल से बिजली नहीं पहुंची है, परंतु बिजली विभाग की लापरवाही के चलते गांव वालों के 1 लाख रुपए के बिल जरूर पहुंचे। आपको बताते 48 उपभोक्ताओं कनेक्शन धारी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब कनेक्शन दिया गया था तब बिजली एक बार आई थी, इसके बाद आज तक गांव में बिजली नहीं पहुंची, परंतु आज किसी ने 50,000 रुपये तो किसी ने 1,30,000 रुपये तो किसी का 1 लाख रुपये का बिल आया है। हम जाएं तो जाएं कहां, करें तो क्या करें, इसलिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ न्याय की गुहार लगाने गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी का कहना है कि प्रकरण संज्ञान में आया है, कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर हुई है, जांच कराकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हमारे वहाँ पे जो है बिल हो गया है 14 साल कनेक्शन लगे, और 14 साल में लाइट जब कनेक्शन ठोका था तब आया था लाइट एक बार, और फिर तब से लाइट नहीं आ रही, और मेरे वहाँ कभी भी कोई रसीद कोई बिल देने नहीं आया, और आज पहली बार 3 तारीख को आया था, किसी को 30,000 दे कर गया और किसी का जैसे 49,000, किसी का 50,000 दे कर गया, और फिर 6 तारीख को एकदम आया, किसी का सर 1,30,000 आ गया, किसी का 50,000 आ गया, इतना 3 ही दिन में 10,000 बढ़ा दिया, और हम लोग को कोई पता ही नहीं चला कब कनेक्शन क्या हो रहा है, कभी पता ही नहीं चला। आप आज जिला अधिकारी जब मेरे पास कुछ आया ही नहीं, फिर आपका नाम? मेरा नाम सरवन है। सर क्या मामला है? पीछे कर लो, झूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम सब लोग कलर नीचे लो। सर जी सिधौली बाबा, क्या मामला है जो लाइट के बिजली के बिल है? पिछवा विद्युत वितरण खंड से एक शिकायत प्राप्त हुई है कि उस गांव में विद्युत कनेक्शन बहुत पहले काट दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी बिल अभी भी आ रहा है, और बिल जो आ रहा है वो काफ़ी धनराशि का आ रहा है। उनकी शिकायत प्राप्त हुई है और इसको हम चेक कराते हैं, और कहीं ना कहीं किसी स्तर पर त्रुटि हुई है तो उसको हम दिखवाते हैं कि त्रुटि जो है जो उसके उपभोक्ता हैं उनकी तरफ से हुआ है या विद्युत विभाग की तरफ से। थैंक यू सर। क्या पूरा मामला है, क्यों आप आए हैं यहाँ पर? हम आए साहब, 32 साहब दिन नहाते लगा दे रहा है कार्ड लेके, और हमसे बताइबो ना कि इनका 10 रुपया महीना, 12 रुपया महीना पर, 14 साल आए ना बिजली जला कहना था, अब आप परसों कागज देंगे। गांव में कितने लोगों की जो है? 40 लोगों। कितना कितना बिल दिया गया? अब बिल पर लिखा, हम पढ़े लिखे नए हैं, किसी का 50,000, किसी का 49,000, किसी का 1,30,000। आपका नाम? आपका नाम क्या है? मामले को लेकर क्या है? क्या है पूरा मामला? कितना बिल आया तुम्हारा? बिलावा 50,000। कितने दिन से बिजली नहीं आ रही है? बिजली साहब जब तक आ रहे हैं तब से नहीं आ रही है। आपका नाम? लाइट कभी नहीं आती? अभी नहीं। बिल आ रहा बराबर? बिल बराबर साहब आते ही नहीं। हाँ, अत्ते दिन का बहुत ख्याल है नहीं। कौन सा गाँव है आपका? कल्याणपुर। डीएम साहब से मिले आज? ना, आज कहाँ मिले। आभान है जो आवाज पे आए। हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे वहाँ लाइट आई नहीं है, और मीटर जो लगाया है उसको कभी चेक नहीं किया गया है, और इतना भारी जो बिल आया है 1,23,000 रुपये का, 123 रुपये, और लाइट भी नहीं आई है। कितने लोगों का है? मतलब हम गरीब लोग हैं, हम इतना पैसा कहाँ से दे पाएंगे? आपके गाँव कितने लोगों का? हमारे गाँव में 38 लोगों हैं। कितना कितना बिल आया है? किसी का 1,30,000 रुपये है, किसी का 80,000 रुपये है, और किसी का 70,000 रुपये है। मनी डिलाट करी को मिले? जी डिलाट करी को मिले हैं आप? हाँ मिल गए, वहाँ पर भी, वहाँ पर उन्होंने कहा एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। यहाँ पे नहीं, हम बिस्वा गए थे, बिस्वा में जो 32 विभाग वाले जो थे अधिकारी उनके पास मैंने। आप आज कहाँ आए हैं? आज तो हम यहाँ जिलाधिकारी के पास। आपको मिले जिलाधिकारी? नहीं अभी नहीं मिले। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार है। गाँव? ग्राम कल्याणपुर है, पोस्ट बिठौली, थाना मानपुर, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर।